मोदी केयर ने, मोदी केयर ने ग्रेट प्लेस टू वर्क में फिफ्थ जो पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन को मोदी केयर ने ऑक्यूपाई किया और आप लोग देख रहे हो उसी का ही अभी बैकग्राउंड आप लोगों के सामने है. सो इट इज एक्चुअली अ वेरी मच मैटर ऑफ प्राइड. नॉट ओनली दैट, मिस्टर मोदी की जितने सारे ग्रुप कंपनीज है, अगर हम 24/7 की बात करें, कलर वर्ड की बात करें, 3 कंपनीज अभी ग्रेट प्लेस टू वर्क में आ गए. तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं. आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ. मुझे पता है अभी मंथ एंड है, बहुत सारी लीडरशिप, दे आर ट्रिमेंडसली बिजी. अभी ये 50 PV 100 PV का जो हम लोग इतना अच्छे ऑफर लाए हैं, उसको पूरी तरह से मैक्सिमाइज करने के लिए लोग तो पागल की तरह दौड़ रहा है. कंटिन्यूअसली मेरे पास फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो. पर दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, समीर मोदी आजादी प्लान, ये पर्टिकुलर सेशन में मैंने एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस किया है, डायरेक्टर बोनस किया है, ये जो रोल अप होता है, रोल अप क्या है, डायनेमिक कंप्रेशन क्या होता है, टीम बिल्डर बोनस क्या है, ये सब चीज के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी. क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जो न्यू कमर्स है, वेरी रिसेंटली दे हैव ज्वाइंट मोदी केयर, और उन लोगों को मोदी केयर की प्लान के बारे में उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है. तो ये डिटेल्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए. मुझे आज का ये जो सेशन है, अभी 3:03 है. आई विल स्टॉप दिस सेशन शार्प एट 4 PM. हमारा एक मैनेजमेंट का बहुत एक इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू होगा 4:05 में. मैं 4:05 के अंदर ही मुझे ये सेशन मैं खत्म करूंगी. दैट इज द रीजन मैं जितना तक आप लोगों को बोलूंगी डिटेल्स में बोलूंगी, सो दैट इट विल बी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. मैं अभी आप लोगों के सामने पैरेलली 2 पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ. 2 PPT पैरेलली शो करूंगी. एक कंपनी की PPT है और अलग से एक PPT आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो आप लोगों को समझने में बहुत इजी होगा. और समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे मेरा अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं अपने डाउनलाइन के सामने वो डिटेल्स में उसको एक्सप्लेन भी कर पाऊंगी. तो चलिए दोस्तों, आइए आज का ये सेशन शुरू करते हैं. इधर बहुत सारे कोहोस्ट हैं, मैं कोहोस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी, कभी कभी अगर मैं कुछ पूछूंगी, अगर आप लोगों को उसका आंसर पता है तो प्लीज रेज योर हैंड और आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो. यू कैन मेक दिस सेशन अ इंटरैक्टिव वन. सो फ्रेंड्स, एक सेकेंड. दोस्तों, सबको पता है कि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड हम लोग नया वर्जन में आप लोगों के सामने इनको लाए हैं, और लाने के बाद आप लोगों को अच्छा भी लगा. बहुत सारे थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट था जहां पे आप लोगों को लगा कि वो सही नहीं है हमारे लिए, उसको अगर कंपनी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हो सकता है प्लान और भी बेटर हो जाए. तो आप लोग जो भी बोलते हो, हमेशा मोदी केयर टॉप मैनेजमेंट वो चीज को रेस्पेक्ट करते हैं, और रेस्पेक्ट करते हुए हम हमारे प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस भी किए हैं. चेंजेस तो सबको पता है क्या चेंजेस किए हैं, तो अभी मैं पूरा दोबारा इसको रिपीट करूंगी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों के सामने बताऊंगी. दोस्तों, ये समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, इसका नाम इसीलिए हम लोग अनलिमिटेड रखा है क्योंकि अभी प्लान का जो नया वर्जन है, ये नया वर्जन आने के कारण ये जो एवेन्यूज होता है ना, रास्ता होता है ना, ये रास्ता और भी ज्यादा खुल गया, आजादी का रास्ता. यस, आप और भी ज्यादा पैसा आराम से कमा सकते हो. सेकेंड इज, हमारा जो पर्टिकुलर प्लान है, इस पर्टिकुलर प्लान में दोस्तों 10 एरियाज ऑफ इनकम है. पहले 8 एरिया था, अभी 3 एरिया है. सबको पता है डायरेक्टर बोनस पहले भी था, अभी भी है, पर डायरेक्टर के लिए स्पेशली हम लोग एक डायरेक्टर बोनस का अलग से पूल बनाया, जिस पर्टिकुलर पूल का बेनिफिट सिर्फ डायरेक्टर लोग ही एंजॉय करेंगे. तो दैट इज द रीजन हम लोग डायरेक्टर बोनस पूल के अगेंस्ट में ये जो न्यू है, न्यू का मोहर लगा दिया. राइट, नेक्स्ट इज 14% टीम बिल्डर बोनस. ये जो टीम बिल्डर बोनस है दोस्तों, इसमें डायरेक्टर छोड़ के सीनियर डायरेक्टर से शुरू करके मोदी केयर का जो एकदम टॉप मोस्ट लेवल है, यानी कि GBD तक हर एक इंसान ये टीम बिल्डर बोनस की बेनिफिट जो है, बेनिफिट को एंजॉय कर पाएंगे. नेक्स्ट आप लोग देखिए, हम लोग और भी एक चेंजेस लाए प्लान में, वो है 2% बंधन बोनस को. दोस्तों, अभी हम लोग एवरी मंथ बिजनेस में मोमेंटम लाने के लिए
हम लोग एक्स्ट्रा पीवी की बेनिफिट ला रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट की सपोर्ट से हमारे बहुत सारे लीडरशिप है जो सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं, बीवी बनाना चाहते हैं, चेक बनाना चाहते हैं, वो अपना टाइटल के ऊपर टाइटल, टाइटल के ऊपर टाइटल जंप कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन ये जो 10 नंबर पॉइंट अटूट बंधन बोनस पूल, फ्रेंड्स ये अटूट बंधन बोनस पूल, ये क्राउन डायमंड डायरेक्टर आरबीडी एंड जीबीजी, ये टॉप थ्री टाइटल्स के लिए ये पर्टिकुलर अटूट बंधन बोनस पूल है। बाकी जो तीन एरियाज ऑफ इनकम आप लोग देख, तो मैं फटाफट इसको बोल दे रही हूँ, ऑल्दो आप लोगों को पता है, फिर भी बहुत सारे न्यू कमर्स भी है तो उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ। एक नंबर जो पॉइंट है ये 20% सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, इसीलिए सेविंग्स ऑन कंजम्पशन बोल रहे हैं क्योंकि देखिए आप लोग जब मोदी केयर में ज्वाइन कर रहे हैं ना, हमारे मोदी केयर में बिंग अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हमारा जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है मोदी केयर में कि हम लोग इतने सारे कैटेगरीज को लेकर डील कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट अगर किसी को हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं ना कंपनी में, लोगों के मन में ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि जबरदस्ती मुझे प्रोडक्ट परचेस करना पड़ रहा है, जबरदस्ती नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक इंसान का मंथली जो बजट होता है, तो मंथली बजट में लोग जो भी जाके बाजार से खरीदते हैं राइट, वही चीज 80% मोर और लेस 80% प्रोडक्ट मोदी केयर में अवेलेबल है। तो जब कोई मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो जाहिर सी बात है ना, वो बाहर में जाके क्यों तेल साबुन ये सब चीज खरीदेगा, वो तो अपने कंपनी से ही खरीदेगा क्योंकि अभी वो मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, एंड बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर वो जो भी चीज खरीद रहे उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यही है फर्स्ट जो पॉइंट है, 20% सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, ये है फर्स्ट फंडा। सेकंड है 20% रिटेल प्रॉफिट। जब कोई मोदी केयर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए है और मोदी केयर की बिजनेस कर रहा है, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रेंड्स कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट अपने पड़ोसी के पास जाके दिखाऊं, उनके पास जाके बेचूं, तो डेफिनेटली ना मैं तो एमआरपी में बेचूंगी क्योंकि मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मुझे तो डिस्काउंट पे मिल रहा है। और वही चीज जब मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बेच रही हूँ, मैं तो एमआरपी पे बेच रही हूँ, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे दूसरा पॉकेट में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिटेल प्रॉफिट। क्लियर? ये जो तीन नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये तीन नंबर पॉइंट आप लोग देख लीजिए, यह है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। मैं आगे जाके अभी आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाली हूँ, तीन नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि एक इंसान तभी हाई स्पीड में दौड़ सकते हैं जब धीरे धीरे करके वो चलने सीखते हैं, राइट। तो ये जो 7% 16% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पर्टिकुलर इनकम हमारे बिजनेस में क्या काम पे आता है, हम लोग आगे जाके डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। फिर चार नंबर, ये डायरेक्ट बोनस मैंने बोल दिया, तो उसके बाद आता है टीम बिल्डर बोनस, आगे जाके आता है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल। दोस्तों ये जो छह नंबर पॉइंट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को जो सुनाई देता है ना कि मोदी केयर में लोग लाखों रुपया कमाते हैं, तो ये हकीकत है, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द हार्डकोर ट्रूथ। और जो लोग लैक्स एंड लैक्स ऑफ पैसा कमा रहे हैं ना, ये इसलिए कमा पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये बेहतरीन इनकम है, वो है एलपीपी। क्लियर? उसके साथ साथ मोदी केयर एक ऐसा कंपनी है जो लोगों को विदेश में घुमाने के लिए ले जाता है, नेशनल ट्रिप में ले जाता है, उसके लिए हमारे पास है 10% ड्रीम ट्रेवल बोनस फुल। फिर उसके बाद आप लोग तो देख ही रहे हो, कंटिन्यूअसली मैगजीन में आ रहा है, कनेक्ट मैगजीन में आ रहा है, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, इतने सोशल मीडिया में देख रहे हो कि जितने सारे मोदी के एजेंट्स है, हो क्या गया है इन लोगों को, कंटिन्यूअसली गाड़ी के ऊपर गाड़ी खरीद रहे, गाड़ी के ऊपर गाड़ी खरीद रहे, गाड़ी का बरसात हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास है ड्रीम व्हीकल बोनस पूल। तो कंपनी गाड़ी खरीदने के भी पैसे इन लोगों को दे रहे हैं, ये दूसरा एक इनकम की पार्ट है। एंड नेक्स्ट जो इनकम की पार्ट है वो है कंपनी मोदी केयर आप लोगों को सपोर्ट भी करेगा कि आप लोग आगे जाके अपना जो सपनों का जो घर होता है, राइट, हर एक इंसान के सपनों का घर होता है, वो भी सपना लोग पूरा कर पाए। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया, दिस वॉज द 10 एरियाज ऑफ इनकम, हमारे इनकम की 10 एरियाज है, ये आपके जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी ये जो एरियाज ऑफ इनकम जो मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बोला, वही अभी स्क्रीन में आप लोग देख रहे हो। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गया, जो हमारी
इनकम के जो थर्ड पॉइंट है, फिर से देखिए 7% 16%, यह है एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये बेसिकली क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये अभी आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, ये जो एपीबी है, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है। डिटेल्स में जाने से पहले मैं दो तीन चीज बोलना चाहती हूँ, ये एपीबी के हकदार कौन हो सकता है। दोस्तों जो कंसल्टेंट यानी कि मोदी केयर की जो डिस्ट्रीब्यूटर, मोदी केयर की जो मेंबर, जो मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रोडक्ट यूज भी करते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट खरीदना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती उन लोगों से प्रोडक्ट खरीदवाते हैं। वो लोग अपनी खुशी खुशी खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जो फेस वॉश यूज करते नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जो साबुन से नहाता नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है कि टूथब्रश यूज नहीं करते ब्रश करने के लिए, राइट। तो डेफिनेटली सेल्फ यूज करने के लिए ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए यूज करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा प्रोडक्ट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट टीवी न्यूज़पेपर में आप लोग नहीं देखोगे, हमारे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट हम लोग खुद ही करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही मोदी केयर की ब्रांड एम्बेसडर है। और ये सेल्फ यूज करना दोस्तों हर एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मोदी केयर की बात नहीं कर रही हूँ, बिजनेस में अगर आप जुड़े हुए हो वही प्रोडक्ट यूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब वो प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तब लोगों के साथ आप आराम से बात भी कर पाओगे, राइट। उसी प्रोडक्ट का क्या क्या गुण है वो आप विचार कर पाओगे, लोगों को बोल पाओगे क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फीचर्स है। एंड एट द सेम टाइम कोई इंसान अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई बुरा भला भी बोले ना, अब हंसी खुशी उनका उस आंसर को आराम से ऑब्जेक्शन को ओवरकम भी कर पाओगे। तो दैट इज द रीजन सेल्फ यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ना, हम लोग कितने सारे टीवी में देखते हैं कि कैसे खाना बनाते हैं। देखिए खाना कैसे बनाते हैं वो प्रोसीजर देखना अलग बात है, जब हम लोग खुद खाना बनाते हैं ना तब कंफ्यूजन आता है, कितना नमक डाले, कितना मसाला डाले, कितना जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाले। तो जब तक आप खुद से नहीं कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होता है। तो अल्टीमेटली दोस्तों जब ये कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है सेल्फ यूज के दौरान, तभी टाइम आ जाता है शेयर करने का। जब भी हम लोग पार्टी में जाते हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक फ्रेंड्स लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि फेस में ऑल ऑफ अ सडन इतना निखार कैसे आ गया। और फ्रेंड को पता भी है कि वर्क शेड्यूल इतना हाईफाई है कि पार्लर में जाके थोड़ा बहुत कुछ करूं उसके लिए भी टाइम नहीं है। तो अभी हम लोग दोस्त के साथ ये शेयर करते हैं कि मोदी केयर का ये प्रोडक्ट है, ये एप्लीकेशन के बाद फेस में इतना निखर आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग इसको शेयर कर रहे हैं। और जब शेयर करना कंप्लीट होता है, लेडीज लोगों का माइंड सेट मुझे भी ला दे, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ला दीजिए, तो तब भी बाड़ी आ जाता है वही फ्रेंड वही रिलेटिव को मोदी केयर में ज्वाइन कराना, यानी कि स्पॉन्सर। देखो सेल्फ यूज, शेयर एंड स्पॉन्सर, ये जो तीन एस है ना, ये आपस में इंटर कनेक्टेड है। तो और ये इंटर कनेक्शन के वजह से ये जो हमारा एपीबी है, एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, ये एपीबी का जो ये क्या बोलूं, पावर है, जो स्ट्रेंथ है, इस पर्टिकुलर तीन चीज के वजह से हो रहा है। तो मैं अभी आप लोगों के सामने दूसरा स्लाइड शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर ये स्लाइड जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों का और भी कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं अभी आप लोगों के सामने जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में बोल रही थी, अच्छा क्या एम आई ऑडिबल? ओके, तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों के सामने जिसके बारे में बोल रही थी वो था एपीबी। ध्यान से देखिए, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। डिटेल्स में जाने से पहले थोड़ा समझ लेता है कि बेसिकली है क्या, राइट। दोस्तों ये जो एपीबी है ना, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, इट इज द फर्स्ट इनकम ऑफ समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। ये हमारे एसएमएपी का पहला इनकम होता है, नंबर वन। एनीवन आज के डेट में आप लोग जो देख रहे हो ना, जो 10 लाख के ऊपर कमा रहे, ऐसे बहुत सारे हमारे लीडरशिप है जो लाखों के ऊपर कमा रहे, उन्हीं लोगों का भी जो फर्स्ट इनकम था वो था एपीबी। और ये जो आप लोग दोस्तों एपीबी देख रहे हो ना, एपीबी डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम एंड योर फ्रंटलाइन जीपीवी। ये मंत्र है, माथार मध्ये নিয়ে নিন। ये जो एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है ना, नंबर पॉइंट, ये एब्सोल्युटली डिपेंड कर रहे कि आपको मोदी केयर में जो एमसीए नंबर दिया गया है, यानी कि जो कोड दिया गया है, उसी कोड के अगेंस्ट में आप अपने पर्सनल अकाउंट में क्या ऑर्डर डाल रहे हो, और उसी के साथ साथ आप अपने डायरेक्ट
कितने सारे लोगों को ज्वाइन कराए हो, उनका एक एक लोगों का जो ग्रुप की जो बिजनेस वॉल्यूम है, इसी के ऊपर आपका एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का जो इनकम होता है वो इनकम डिपेंड करता है। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 3 है, दिस वाज अंडरस्टैंडिंग एपीबी। मैं आप लोगों को एपीबी का क्या कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट मैंने बोला, बहुत सिंपल है। मेरे खुद के अकाउंट में मुझे ऑर्डर डालना ही पड़ेगा, और मैंने जिन लोगों को मेरे डाउनलाइन के हिसाब से, मेरे फर्स्ट जनरेशन जो मेरा फ्रंट लाइन है, जिन लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, एक एक इंसान का ग्रुप का कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ, इसी के ऊपर मेरे एपीबी का इनकम डिपेंड कर रहे हैं। दोस्तों एपीबी जानने के लिए ना ये जो टेबल है, ये टेबल दिमाग में रटा होना चाहिए, एटा मुखस्त करते हबे। मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे जब जैसे कि हम लोग जब सम्स करते हैं ना, हम लोगों को टेबल्स याद रहता है, 2 2 = 1, 3 2 = 6, 8 3 = 24, ये क्या है, टेबल्स। तो मैथमेटिक्स करने के टाइम, कैलकुलेशन करने के टाइम, बचपन में स्कूल में हम लोग टेबल सीखे थे, राइट? और टेबल्स के बगैर हम लोग सम्स नहीं कर सकते। तो मोदी केयर में बिजनेस प्लान जब आप किसी को एक्सप्लेन करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का ये है टेबल, ये टेबल एक दिमाग में रहना चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा है, इसका स्क्रीन शॉट लेके अपने फोन का जो गैलरी है, गैलरी में सेव कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एपीबी है, एपीबी का दोस्तों बहुत सारे स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप है, जैसे स्कूल में होता है ना, ये नर्सरी, फिर KG1, KG2, Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, तो वैसे ही ये अलग अलग करके स्टेप है। जैसे कि कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर डायरेक्ट। तो देखिए जैसे जैसे एक और एक एक नाम टाइटल के अगेंस्ट में आप लोग लेवल देखो, 7, 10, 13, 15, 14, जैसे जैसे हमारा टाइटल बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्लास बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं। उसके अगेंस्ट में देखिए पीवी है, बीवी है, आप बीवी भी देख सकते, पीवी भी देख सकते। बेसिकली ये जो पीवी है दोस्तों, पॉइंट वॉल्यूम, ये बेसिकली पीवी बीवी क्या है, मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है। आप लोग मोदी केयर में जो भी चीज खरीद रहे हो, वो हर एक चीज के अगेंस्ट में मोदी केयर आपको पॉइंट देता है, पॉइंट। जैसे शॉपर स्टॉप, बिग बाजार, वेस्ट साइड में जब आप लोग खरीदते हो, हम लोगों को पॉइंट्स मिलता है, और काफी दिन बाद हम लोग वो पॉइंट्स को रिडीम करते हैं। मोदी केयर में क्या, नॉट विजिबल स्क्रीन, इट नॉट स्क्रीन इज नॉट विजिबल, दिख रहा है? नो, एक सेकंड, क्या हुआ? एक सेकंड, अभी देखिएगा फिर से। देखो तो अभी विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, विजिबल ना? हाँ, एक भी स्क्रीन नहीं दिखा पहले। एक सेकंड, अभी दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। ओके, सो मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को, अच्छा, जैसे कि मोदी के, ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही थी कि जब हम लोग कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं कोई भी शॉपिंग मॉल से, तो हम लोग जो भी जितना शॉपिंग करते हैं उसके अगेंस्ट में हम लोगों को पॉइंट मिलता है। तो हमारा जब जी चाहता है, मर्जी होता है, वही पॉइंट को हम लोग रिडीम करते हैं। मोदी केयर में दोस्तों क्या होता है, मोदी केयर में आप लोग कोई भी घर का सामान जब मोदी केयर से खरीदते हो ना, उसके अगेंस्ट में मोदी केयर आप लोगों को भी पॉइंट देते हैं, पॉइंट। और वो ही पॉइंट बिजनेस के भाषा में हम इसको बोलते हैं बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। अभी क्लियर है? और जिसका जितना बिजनेस वॉल्यूम है, उसके हिसाब से हम लोगों का जो पैसा है, जो चेक है, वो डिपेंड करते हैं। तो मोदी केयर में हर एक इंसान किसके पीछे दौड़ता है, बीवी के ऊपर। बीवी कहां से आते हैं, हम लोग जो भी चीज खरीदते हैं उसके अगेंस्ट में हम लोगों को पॉइंट मिलता है, वही पॉइंट को बोला जाता है बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। तो अभी मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रही थी कि एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस जो बोनस है, एपीबी, अंडरस्टैंडिंग एपीबी आप लोग तो समझ गया एपीबी क्या है। नेक्स्ट इज ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंसल्टेंट से शुरू करके सीनियर कंसल्टेंट, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर डायरेक्ट, ये टेबल आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके अगेंस्ट में पॉइंट याद रखना, जब आप लोग मोदी केयर में ज्वाइन कर चुके हैं ना, तो आपके नाम से आपका परिचय नहीं होता है, नाम के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने परसेंट हो, कितना परसेंटर है, अच्छा वो डायरेक्टर है, वो 16% है, अच्छा ये अभी 13% में आ गया, तब तो ये डीपी ले सकते हैं।
तो दैट इज द रीजन हर एक इंसान ना जो परिचय होता है इस लेवल के ऊपर बेस करके होता है। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए ये चार्ट फोन गैलरी के साथ गैलरी में रख लीजिए, कॉपी में रख लीजिए, नहीं तो अपने दिमाग में इसको रख लीजिए। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये है टेबल। नेक्स्ट इज सिंपल स्टेप फॉर योर एपीबी। एपीबी का सिंपल क्या स्टेप है, एकदम छोटे बच्चों की तरह मैं आप लोगों को स्टेप सिखाती हूँ, सो दैट वही चीज जो जो न्यू ज्वाइनी है आप न्यू ज्वाइनी को बोल पाओगे। एपीबी का मेन फंडा क्या वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि टेक योर ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम एंड चेक दिस लैब, खुद का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है आप पहले देखो बिजनेस वॉल्यूम कितना हो रहा है देखो, उसी के हिसाब से अपना चेक आपका लेवल चेक करो। देखिए दोस्तों ये है बीवी, अगर किसी का बीवी 27,816 हो रहा है वो 7% है, 8,127,32,000 है ये 10% है, 32,427 से समथिंग हो रहा है ये 13% है। तो ऐसे ऐसे करके आपका ये जो लेवल होता है वो जो लेवल के हिसाब से ये आपका जो बीवी होता है बीवी के हिसाब से आपका लेवल तय किया जाता है। नॉर्मली सिंपल स्टेप्स क्या है एपीबी का, फर्स्ट इज टेक योर ग्रुप बिजनेस वैल्यू चेक दिस स्लैब, आपका खुद का जीबीवी देखो फिर आपका स्लैब देखो। मंथ टू में आप क्या करोगे, मंथ टू में टेक योर ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम प्लस मंथ वन जीबीवी एंड चेक दिस स्लैब। देखिए दोस्तों ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है ना इसका नाम है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। इसका क्या प्लस पॉइंट है, आपने इतना कष्ट करके जो काम कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि रात गई बात गई मेरा पूरा काम पूरा इट विल गो डाउन द ड्रेन, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने जून महीना में जो भी काम किया वो बिजनेस वॉल्यूम रहेगा, फिर उसके बाद जुलाई मंथ में मैं जो भी काम करूंगी जून और जुलाई का जो बीवी हो वो ऐड किया जाएगा, फिर मैं अगस्त में जो भी काम करूंगी वो भी ऐड किया जाएगा। दैट इज द रीजन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन माने जोड़ो करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, इसको इकट्ठा करना। तो दैट मीन्स हर एक महीना में मैं जो भी काम कर रही हूँ ना उसको जोड़ना है, उसको जोड़ना है, जोड़ना है। जब मैं जोड़ूंगी जोड़ती जाऊंगी उसके अगेंस्ट में मैं देखूंगी कि मैं कौन सा लेवल में आ गई, मेरा कौन सा स्लैब है, मेरे स्लैब के हिसाब से मेरा लेवल तय किया जाएगा। अगर मैं देखूंगी कि तीन चार महीना का टोटल सेल मेरा 73,000 के आसपास हुआ, 73,000 के आसपास मेरा बिजनेस वॉल्यूम हुआ, आग बंद करके मेरा स्लैब पहुंच जाएगा 15%। तो अगर याद नहीं भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक मंथ आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही करके चलेगा, जब आप मंथ थ्री में हो तो आप पहले दो महीना का क्या काम किए हो फिर थर्ड मंथ का क्या किए हो उसको टोटल करोगे एंड इट विल गो ऑन। तो ऐसे करके एपीपी का स्टेप ऐसे करके जाते हैं। अभी मैं जो भी चीज आप लोगों को बताया थियोरिटिकली वही मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। अच्छे से देखिए, पहला नंबर जो मंथ हो रहा है मंथ नंबर वन में देखिए, ए ने किया 2,000 और बी ने किया 3,000। ए का ग्रुप कितना हुआ, इसका टोटल ग्रुप हुआ 5,000, ए का टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हुआ 5,000। तो ए का टाइटल हो गया 7%, बहुत बढ़िया है। अभी आइए बी का बारी, बी ने किया 3,000, तो बी का 3,000 का मतलब बी का टाइटल है 3%। ये जो मैं आप लोगों के सामने फटाफट एक एक करके परसेंटेज बोल रही हूँ, ये परसेंटेज आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ये पर्टिकुलर टेबल से आपको ये वाला साइड देखना पड़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम देखना पड़ेगा। बिजनेस वॉल्यूम के अगेंस्ट में आपको पता चल जाएगा इसने कितना किया और उसके अगेंस्ट में उसका परसेंटेज कितना है। क्लियर? अभी देखिए मंथ टू में क्या किया, मंथ टू में एक का टोटल जीबीवी है 4,000 और पहला मंथ में एक का कितना था 5,000, तो 5 और 4 कितना हो रहा है 9,000। जब 9,000 हो गया ए पहुंच गया 10% पे। देखा अभी बी का देखिए, बी ने किया 1,000 मंथ टू में और फर्स्ट मंथ में बी ने किया 3,000, तो 3,000 और 1,000 मिला के कितना होता है दोस्तों 4,000। बी का टाइटल है 7%। मंथ थ्री में क्या हो रहा है, मंथ थ्री में देखिए ए और बी दोनों मिला के 35,000 किए हैं, इसके साथ 5,000 और इसके साथ 4,000। मंथ वन मंथ टू और मंथ थ्री तीनों महीना का हमने जब एड किया तो टोटल कितना आया 44,000, ए पहुंच गया 13% में। राइट, बी का देखिए, बी ने किया नंबर महीना में 25,000 के साथ बी का जो सेकंड मंथ का 1,000 वो कैलकुलेट किया, पहला मंथ का जहां था 3,000 वो कैलकुलेट किया। ये जब कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन मतलब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एक साथ कोची तीन महीना के मिला के बी का टोटल हो गया
99,000 और बीट पहुंच गया 10% पे। तो ऐसे ही दोस्तों मन 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 जाता है। ये जो एपीपी है एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है मोदी केयर में, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक इंसान का डायरेक्टर बनने का जो सपना होता है, डायरेक्टर बनने का सपनों को पूरा करता है। ये जो डायरेक्टर शब्द है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डायरेक्टर बनना नहीं चाहते, क्योंकि सबको पता है डायरेक्टर होने से मुझे सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, लोगों के सामने बात करने का मौका मिलेगा। इट्स नॉट दैट कि मैं मोदी के बिजनेस की बात कर रही हूँ, कोई भी बिजनेस में जाओ, कोई भी अगर पूजा भी हो रहा है, कोई पूजा सेरेमनी भी हो रहा है, वही जगह पे भी अगर आपको डायरेक्टर बना दे रहे हैं ना, तो आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। तो एक्यूमुलेशन, ये जो है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस जो प्लेटफॉर्म ये डायरेक्ट बनने का ये जो सपना है, ये सपना आसानी से इसको पूरा करता है। इतना तक सब क्लियर हो गया? ओके। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी, आप लोगों को मैं ये वाला चार्ट दिखा रही थी। अभी मैं अगर मान फ्री में जाती हूँ दोस्तों, एक्यूमुलेशन का क्या प्लस पॉइंट है, एक्यूमुलेशन में अगर मैं एको पकड़ती हूँ, 3 महीना का बिजनेस वॉल्यूम लेके दोस्तों, एक का टोटल हो गया 44,000। जब एक का टोटल 44,000 हो गया दोस्तों, तो एक का टाइटल क्या हो गया, 13% हो गया। अभी ए का क्या कैलकुलेशन होगा, ये जो 25,000, ये जो ए ने जो किया 10,000, इसके ऊपर ए को मिलेगा 13%। एक चीज हमेशा याद रखना, हमारा ये जो एक्यूमुलेशन होता है, ये हर एक महीना का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, ये टोटल लेके होता है, और टोटल के ऊपर हमारा जो टाइटल है वो टाइटल निर्धारण किया जाता है, और जो टाइटल होता है उसी टाइटल के ऊपर करंट मंथ में हम लोग जो बिजनेस करते हैं उसी के ऊपर इसका कैलकुलेशन होता है। सेम अप्लाइज फॉर मंथ। अभी थंब रूल क्या है एपीबी का, ये जानना बहुत जरूरी है। एपीबी का पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर वन, डू योर पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम मीन्स आपने एमसीए नंबर के अगेंस्ट में आप ऑर्डर डालो। एनेबल योर फ्रंट लाइन टू दी ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, आपके नीचे जितने कार्य बच्चे लोग हैं, आप उन लोगों को बोलो सो दैट वो भी अपना ग्रुप को ग्रुप से काम कराए, उनका भी ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बने। तीन नंबर फंडा क्या है, मोर पीपल यू स्पॉन्सर्ड मोर विट यू क्रिएट। आप जितने सारे लोगों को ज्वाइन करवाएंगे ना दोस्तों, तो आपका जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो विड्थ है, वो विड्थ बढ़ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर पॉइंट, कीप अ गुड गैप बिटवीन यू एंड योर फ्रंट लाइन, यू ग्रो फास्टर। आप और आपके डाउनलाइन के बीच में अगर गैप ज्यादा रहेगा, तो आप उतना और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इससे क्या पैसा कमाओगे, ये डिफरेंट शेयर का जो परसेंटेज है वो आपको मिलेगा ज्यादा। तो ये चीज मैं अभी आप लोगों को कैलकुलेशन में दिखा रही हूँ। पिया देखा जाए चेटा स्क्रीन रखो, हेलो ओके। अभी आप कैलकुलेशन देखिए, जो भी चीज मैंने आप लोगों को बताया ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन ऑफ एपीबी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एपीबी कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ क्या होता है, योर पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, योर पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम इनटू योर टाइटल, माने आप खुद का जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम होगा इनटू आपका टाइटल, कि आप कौन सा टाइटल में हो, उसी के ऊपर आपका परसेंटेज मिलेगा। सेकंड इज डिफरेंशियल कैलकुलेशन फ्रॉम फ्रंट लाइन्स। फ्रंट लाइन का मतलब है फ्रंट लाइन ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, आपका जो टाइटल है और आपका फ्रंट लाइन का जो टाइटल है माइनस करने के बाद जो डिफरेंशियल आएगा उसी के ऊपर आपको ये मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। कैसे है, आप ये कैलकुलेशन को देखिए। ये जो एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, आप देखो जो यू है 10% में है, और उसके नीचे इसका दो फ्रंट लाइन है, दोनों 7% में है। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एपीबी का, जो मदर लीडर है देखिए इन परसेंट किया है, इनका है 10%, और इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में कितना ऑर्डर डाला, कैलकुलेशन क्या होगा 5,000 इनटू 10%, यानी कि 500, ठीक है, इनको ये खुद से मिला। सेकंड क्या हो रहा है, इनके नीचे जो डाउनलाइन है इनका परसेंटेज है 7%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का परसेंट से इनसे परसेंट माइनस कर दो तो डिफरेंशियल मिल जाएगा। 10 से 7 अगर आप माइनस कर रहे हो, कितना मिल रहा है, 3% मिल रहा है। तो 3% ऑफ 1,000, और इस पर्टिकुलर चीज में क्या कर रहे हैं, 10 से अगर 7 माइनस कर रहे तो मिल रहा है 3% ऑफ 3,000। ऐसे करके कैलकुलेशन किया जाता है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, आपका खुद का
पर्सनल अकाउंट पे आपने जो ऑर्डर डाले हो और उसके बेसिस पे आपका जो टाइटल है, तो वो ऑर्डर इनटू आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज करोगे, एंड एट द सेम टाइम आपका जो डाउनलाइन है, आप जिस परसेंट में हो और आपका डाउनलाइन जिस परसेंट में है उसको माइनस करो. माइनस करने से आपको डिफरेंशियल मिल जाएगा, वही डिफरेंशियल के ऊपर आपको कैलकुलेशन होगा. जैसे देखिए इधर 10% ऑफ 1000 और इधर 10% ऑफ 1000, वेरी इजी. नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ एपीपी बाय एग्जांपल, और भी एग्जांपल आप लोगों को दिखा रही हूँ सो दैट क्लैरिटी आ जाएगा. फर्स्ट इज देखिए ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, यू का परसेंटेज है 10% और इन्होंने कितना किया 5000 किया, तो 10% ऑफ 5000 कितना हो रहा है 500 हो रहा है, वेरी गुड. अभी इनका जो पहला लेग परसेंटेज कितना है 7% और इन्होंने कितना किया 10, 10-7 कितना आता है 3, तो क्या होगा आप लोग बताइए. अभी 5-2 3 होता है, सॉरी 10-7 कितना होता है 3 होता है, तो 2000 के ऊपर इनको मिलेगा 3%. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट का जो लेग है, नेक्स्ट का लेग ध्यान से देखिए, उन्होंने खुद से किया 10% हुआ 7%, 10-7 कितना आता है 3% होता है, 3% ऑफ द एंटायर वॉल्यूम यानी कि 1300 के ऊपर. थर्ड लेग को देखिए 10% - 7% सेम फॉर्मूला, बैलेंस कितना आ रहा है 3, डिफरेंशियल कितना मिल रहा है, डिफरेंशियल 3 मिल रहा है, तो 3000 ऑफ 10% ऐसे करके ये जा रहे हैं. क्लियर है सब? या कोई क्वेश्चंस आप देख रहे हो? कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे? एनीबडी क्वेश्चन नहीं? ओके. व्हाई स्पॉन्सर टू अर्न मोर, हम लोग क्यों इतना स्पॉन्सर करोगे? एक चीज देखिए, मैंने कि जैसे आप लोगों को बताया, मेरा विथ जितना बढ़ेगा मेरा उतना इनकम बढ़ेगा, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला जो मदर लीडर है अगर वो टॉप टाइटल में है, वो अगर उनका टाइटल ज्यादा है और उनके नीचे वाला टाइटल अगर कम है, यानी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं तो इनसे पैसे ज्यादा आएगा. सिमिलरली सेम ही किया देखिए, 16% इधर 7% 16-7 कितना हो रहा है आप लोग देखो, जो अमाउंट हो रहा है उसी का 5000, सेम 16-10 कितना हो रहा है आप लोग देखो, सबको पता है 6% ऑफ 5000, जो भी चीज मैंने बोला वही चीज इसमें दिया है. सिर्फ लास्ट वाले एग्जाम्पल देखो, जो मदर लीडर है वो भी 16% पे है और जो लास्ट जो है जो उनका फिफ्थ लेग है वो भी 16% पे है. अगर दोनों सेम टाइटल में है, सेम अगर उनका टाइटल है, तो उसमें कुछ भी अर्निंग नहीं हो रहा है. वेरी सिंपल, ये सब चीज आपको पता है, इसीलिए मैं फटाफट इसको ब्रश अप करके जा रही हूँ. एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर महीना में 6480 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है बिफोर बिकमिंग 10%, वो इंसान को क्या बोला जाता है, FSP का मतलब है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, तो 7% के बाद आता है 10%, तो 10% पे पहुंचने के लिए उनको एक्यूमुलेशन के माध्यम में 8127 वो करेगा, तभी जाके वो 10% पे पहुंचेगा. पर सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान अभी तक 8127 में पहुंचा नहीं है, यानी कि वो अभी तक 10% तक बना ही नहीं है. पर ऐसा भी सिचुएशन है कि कोई भी पर्टिकुलर महीना में, यानी कि कैलेंडर मंथ में 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में वो इंसान का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 6480 किया, तो कंपनी उसको बोल रहा है कि आप 10% पे पहुंच गया. हालांकि 10% में पहुंचने के लिए उनको मिनिमम 8127 करना ही है. 3-4 महीने से मैं काम कर रही हूँ जोड़ जोड़ के 8127 में मैं पहुंच गई और मुझे खिताब मिल गया 10% का, राइट? पर ऐसा सिचुएशन है कि कोई कंसल्टेंट पहली मंथ सेकेंड मंथ में ज्वाइन करने के बाद वो जिंदगी में कभी 8127 किया नहीं, पहुंचा ही नहीं है, पर कोई भी पर्टिकुलर मंथ में उन्होंने इतना बढ़िया से काम किया और इनका बिजनेस वॉल्यूम 6480 हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो समय से पहले पहुंच जाता है 10% में, जिसको बोला जाता है फर्स्ट अर्ड सीनियर कंसल्टेंट. अभी देखिए इधर मैंने एक एग्जांपल डाला है आप लोगों के लिए, व्हाट हैपेंस इन एफएसपी. एफएसपी में क्या होता है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कोई मुझे बोल पाएगा इसमें इनकम कितना आएगा, इसमें 200 आएगा या 410 आएगा? एनीबॉडी, कोई भी कोहोस्ट मुझे पूछ सकता है फटाफट. एनीबॉडी कैन आस्क मी, एनीबॉडी
कोई आंसर देगा? किसी के पास आंसर है इसका? एनीबडी कैन अनम्यूट सर. मैम 200. ये इसलिए 200 होगा दोस्तों क्योंकि 200 का 10% कितना होता है? 200 होता है. और इनके नीचे इनकी जो डाउनलाइन है इनका और इनका टाइटल सेम है. 10% ये भी 10% ये भी 10%. दैट इज द रीजन इनको डिफरेंशियल का कुछ भी नहीं मिलेगा. ऊपर इनको मिलेगा दो ये सॉरी 100 राइट. अभी आप देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आप लोगों को जो भी चीज मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया वो क्लियर करना चाहती हूँ. अगर कोई इंसान सिंगल महीना में 6480 किया एंड ही इज एक्युमुलेटिव इज लेस देन 8100, कोई सिंगल महीना में उन्होंने 6480 की बिजनेस वॉल्यूम किया, सिंगल महीना का मतलब 1 से 30 तारीख के बीच में राइट, और आज तक उन्होंने एक्युमुलेशन के माध्यम में जो इकट्ठा किया बिजनेस वॉल्यूम वो 8100 से नीचे है राइट, तो उनको बोला जाएगा फर्स्ट स्टार कंसल्टेंट. क्लियर? और अगर ऐसा सिचुएशन है कि कोई इंसान कोई पर्टिकुलर महीना में 6480 किया और वो पहले 8127 भी कर लिया, दैट मींस ये तो ऑलरेडी 10% बन चुका है. जो इंसान ऑलरेडी 10% बन चुके हैं वो अगर 6480 कोई सिंगल महीना में करते हैं तो उनको वो फर्स्ट स्टार कंसल्टेंट की खिताब नहीं मिलेगा, उनको वैल्यू नहीं मिलेगा. तो ये मैं इसीलिए बोला क्योंकि बहुत सारे न्यू ज्वाइनीज है, क्लियर करने के लिए कि एक्युमुलेशन के माध्यम में अगर आप लोग अभी भी 8127 टच नहीं किए हो और कोई पर्टिकुलर महीना में आप लोग 6480 कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को बोला जाएगा फर्स्ट स्टार कंसल्टेंट. आप लोगों को बहुत सारी फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, आप लोगों को मोदी केयर के तरफ से 1 साल के लिए 1 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बेनिफिट भी मिलेगा. क्लियर? तो इतना तक मेरे ख्याल से अभी सब लोगों को क्लियर है. पिया यस नो बोलो, अभी फटाफट हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे थे. यस यस. हाँ, कोई क्वेश्चंस तो नहीं है ना? क्वेश्चंस होना भी नहीं चाहिए बिकॉज ये एकदम प्रिलिमिनरी ग्राउंड का जो है वही मैंने ब्रशअप किया. दोस्तों अभी जो मैंने नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट इनकम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है डायरेक्टर बोनस. डायरेक्टर बोनस हमारे बिजनेस के लिए अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया क्योंकि अभी जो डायरेक्टर बोनस हम लोग दे रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्टर लोगों को ही मिल रहा है. इट इज एन एक्सक्लूसिव पूल, 4% पूल वो सिर्फ डायरेक्टर लोगों को ही मिल रहा है. तो अभी डायरेक्टर बोनस का क्या है एक बार देख लेते हैं. अभी मैं ये जो बोलूंगी ना, ये जो पीपीटी है अभी अभी आप सबको पता है डायरेक्टर बोनस में एक नया चेंजेस आया. ये जो मैं लाइन बताऊंगी मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इंसान इसमें गलती पकड़ते हैं, तो मैं समझ में आऊंगी कि आप लोगों को पता है. दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर डायरेक्टर बोनस के लिए. एक है डायरेक्टर बोनस सिर्फ क्वालिफाइड डायरेक्टर लोगों को ही मिलेगा. जो क्वालिफाइड डायरेक्टर है सिर्फ उनके लिए डायरेक्टर बोनस है और बाकी दुनिया में किसी के लिए नहीं है. ठीक है? डायरेक्टर बोनस पाने के लिए अगर आपको बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हो तो 33,750 करना है और अगर पॉइंट वॉल्यूम में कर रहे हो मिनिमम 1250 करना है राइट. डायरेक्टर बोनस के हक होने के लिए अपना पर्सनल अकाउंट में आपको मिनिमम 26 पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम करना है और 7% से शुरू करके जो 15% तक है. इतना देर तक मैं जिन लोगों के बारे में बोल रही थी 7% 215% उन लोगों का हर एक महीने आपने एमसीए नंबर के अगेंस्ट में कम से कम 13 पीवी करना है 13 1 3. और जब एक इंसान डायरेक्टर बन जाता है तो डायरेक्टर बनने के बाद उनका जो पर्सनल एमसीए नंबर होता है उनका जो पर्सनल ऑर्डर होता है वो पर्सनल ऑर्डर के अगेंस्ट में उनको मिनिमम 26 करना बहुत जरूरी है. मिनिमम 26 पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम. क्लियर? नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइम डायरेक्टर विदाउट नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स. ये ट्रू है क्या फॉल्स है? एनीबॉडी कैन टेल मी. फॉल्स है. ये फॉल्स है. ये इतना दिन तक दोस्तों ट्रू था. ये अभी वेरी रिसेंटली हम लोग इसको चेंज किया पॉइंट नंबर 4 को. अभी जब फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों को डायरेक्टर बनना है तो आप नॉन क्वालिफाइड, अगर कोई डायरेक्टर है कोई नॉन क्वालिफाइड कोई लेग है उसका वॉल्यूम को आप इस्तेमाल कर सकते हो पहली बार डायरेक्टर बनने के लिए राइट. और जब
फिर उसके बाद तो सो मैंने सो ऑन फिर तो आप लगातार कर ही सकते हो। हम लोग ये पाबंदी डाले थे कि पहली बार जब आप लोग डायरेक्टर बनोगे तो आप रोल अप का सपोर्ट नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अपना टाइटल को जब आप मेंटेन करोगे तब आप रोल अप का सपोर्ट ले सकते हो। पर इसमें मैं फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, पहली बार अगर कोई इंसान डायरेक्टर बन रहा है तो आग बंद करके वो रोल अप का सपोर्ट ले सकते हैं। क्लियर? अच्छा, थर्ड रूल फॉर डायरेक्टर बोनस ओनली फॉर क्वालिफाइड डायरेक्टर। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर में भी गलती है, देखिए नो बेनिफिट ऑफ इंक्वायरी वॉल्यूम। जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनेगा उनको बेनिफिट मिलेगा, ये जो नो है नो को हटा दीजिए, अभी उनको बेनिफिट मिलेगा नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम की। क्लियर? अभी मैं आप लोगों के सामने दो तीन एग्जांपल दूंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर होने से पहले मैं एक बार बैक जाना चाहती हूँ, ये वाला फॉर्मूला आप एक बार देख लो। देखिए दोस्तों, डायरेक्टर होने के लिए अगर मैं पीवी की बात करूं मिनिमम 4001 होना है, एक्यूमुलेशन में 4001 होना है, 4001 नीड टू हैपन। जब तक आप 4001 नहीं हो रहे हो तब तक आप लोगों को बोलेगा नहीं कि आप डायरेक्टर बने हो। सिर्फ वाला पॉइंट याद रखो। अभी मैं जो आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी ये चीज आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। से फॉर एग्जाम्पल इंसान का लास्ट मंथ का टाइटल 15% था और उन्होंने 3500 किया और करंट मंथ अगर वो 600 कर रहे तो उनका 4100 हो रहा है, तो उनका टाइटल फॉर दिस मंथ उनका नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाएगा, उनको डायरेक्ट बोनस नहीं मिलेगा। दोस्तों डायरेक्ट बोनस मिलने के लिए उनको मिनिमम 1250 करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप थर्ड एग्जाम्पल में देखो, किसी ने एक्यूमुलेशन के माध्यम में 3400 किया और करंट महीना में इन्होंने किया 1500, तो इनका टोटल क्यूमुलेटिव वॉल्यूम आ गया 4900। कितना करना था 4100, तो इन्होंने एक्यूमुलेशन जो क्राइटेरिया है 4100 उसी को भी वो फुलफिल किया। एट द सेम टाइम करंट मंथ में एक डायरेक्ट होना के लिए मिनिमम 1250 करना था, तो उसके बदले में वो किया 1500। अगर आप हर एक एंगल से देखोगे वो डायरेक्टर पूरी तरह से क्वालिफाइड डायरेक्टर है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल को देखूं, कोई इंसान अगर 3800 किया और करंट महीना में वो 400 किया, एक्यूमुलेशन में 4200 हो गया, 4100 का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, पर उनको डायरेक्ट बोनस नहीं मिलेगा। डायरेक्टर बोनस मिलने के लिए करंट मंथ में 1250 करना मिनिमम बहुत जरूरी है। अभी अब ये वाला देखो, जहां पे मेरा कर्सर है, किसी ने 2900 तक किया जून महीना में, किसी ने मई महीना में 2900 किया और ये जून महीना में कोई इंसान 1300 किए, तो इससे क्या हो रहा है, टोटल में देखो टोटल में 4200 करना चाहिए, 4100 ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम मिनिमम 1250 करना था, उन्होंने एक्स्ट्रा किया 1300 किया, दैट मीन्स अभी उस इंसान को हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड डायरेक्टर। दोस्तों अभी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर होने के लिए आग बंद करके कोई भी रोल अप बेनिफिट आप बंद करके ले सकते हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान देना, जिस महीने आप डायरेक्टर बन रहे हो आपको 1250 करना ही है विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट। मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी, इस पे एग्जाम्पल में देखिए, ये क्वालिफाइड डायरेक्टर है क्योंकि ये क्या किया, इनका पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम देखिए 200, फिर 300, 400, 300, 100, टोटल मिला के देखिए 1250 से ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज अ क्वालिफाइड डायरेक्टर। अभी ये वाले एग्जाम्पल में देखिए, ये वाले एग्जाम्पल में इनका पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 10, पर इधर किया है 500, 400, 500, 200। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे 1250 से ज्यादा है, तब भी हम इस इंसान को नॉन क्वालिफाइड बोल रहे हैं क्योंकि इनको एज अ डायरेक्टर मिनिमम इनके खुद के एनसी नंबर के अगेंस्ट में 26 करना चाहिए था, पर इन्होंने कितना किया, इन्होंने सिर्फ 10 किया। तो क्राइटेरिया 1250 का क्राइटेरिया तो कंप्लीट किया, खुद का पर्सनल अकाउंट जो डालना है उसी में गड़बड़ कर दिया, 26 के नीचे हुआ, डिस्क्वालीफाई, आउट फ्रॉम द गेम। फिर थर्ड वाला देखो, थर्ड भी क्वालिफाइड डायरेक्टर है, और ये जो फोर्थ वाला है दोस्तों ये पुराने हिसाब से है, फोर्थ वाला भी क्वालिफाइड डायरेक्टर है। पहले हम लोगों के सिस्टम में क्या था कि टू के साथ साथ
10% 7% 10% हर एक परसेंट को हम लोग कोई डायरेक्ट बनने के लिए हम उसको कंसिडर करेंगे सिवाय 16% को। पर जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोल दिया, अगर कोई डायरेक्टर बनने के लिए उसके नीचे अगर कोई 16% भी है तो वो भी अकबर करके कंसिडर किया जाएगा क्योंकि अभी पूरा रोल अप चल रहा है। क्लियर इतना तक? ओके अकबर, देखिए तो इतना तक कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन नहीं है, पर आपका नेट थोड़ा प्रॉब्लम है ना, इसलिए साउंड थोड़ा ब्रेक हो रहा है। सभी बोल रहे हैं अभी ठीक हो रहा है, अभी ठीक हो रहा है, अब थोड़ा ठीक हो रहा है। हाँ ठीक है, अभी एक सेकंड। स्लाइड्स दिख रहा है ना? स्लाइड तो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, पर फुल स्क्रीन नहीं है। फुल स्क्रीन नहीं है, एक सेकंड रुको। अभी फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल तो हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखो, डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन। कैसे हम लोग डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेशन करते हैं? कैसे होता है? टोटल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। क्या टोटल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होता है आप लोग देखो, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप टोटल देखोगे, टोटल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम सब मिला के हो रहा है 1300। डायरेक्ट बोनस का सिस्टम है खुद के ऊपर मुझे मिलेगा 6%। टोटल आया 1300, ये जो 1300 आया दोस्तों ये पीवी में है, पॉइंट वॉल्यूम में है। तो 6% 1300 जो भी हुआ इसको इन 27 करना पड़ेगा क्योंकि ये पीवी में है, तो अल्टीमेटली आया 2106 जो आया ये है डायरेक्ट बोनस पॉइंट। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट बोनस का जो भी इंडेक्स वैल्यू होगा, 1 रुपया 30 पैसा, 1 रुपया 29 पैसा जो भी होगा। डायरेक्ट बोनस का हमेशा ये चीज याद रखना कि मुझे खुद के ऊपर मिलता है 6%। कैलकुलेशन हमेशा यही होता है। ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन अगर आप देखोगे टोटल है 1300 का 6% जो भी हुआ उसको हम लोग इसीलिए 27 से गुण किया क्योंकि ये पीवी में है, गुण करके इसको हम लोग बीवी में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट बोनस का पॉइंट आया 2106, राइट? 2106 को हम लोगों का जो भी इंडेक्स वैल्यू होगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी फटाफट आ जाइए, नेक्स्ट जो पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टू अंडरस्टैंड सीनियर डायरेक्टर एंड अबव इन डीप वी शुड नो द टाइटल पीजीवीवी जनरेशन एंड रोल अप। अभी हम लोग टीम बिल्डर बोनस के बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को पता भी है। सिर्फ जो बेसिक चीज है वही मैं बताऊंगी आप लोगों को कि जब आपको सीनियर डायरेक्टर और अबव टाइटल के बारे में डीपली इन डीप जानना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, टाइटल। एक एक लीडरशिप का क्या टाइटल है, उनका क्या टाइटल है जानना पड़ेगा। जो लीडर जिस टाइटल में है उस टाइटल के अगेंस्ट में उनका कितना लेग होना चाहिए और लेग के साथ साथ उनका पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ध्यान से देखिए, तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। एक इंसान का टाइटल क्या है, सिर्फ टाइटल करने से काम नहीं होगा, टाइटल के साथ साथ जानना है उसी टाइटल के अगेंस्ट में कितना लेग होना चाहिए, क्वालिफाइड लेग होना चाहिए, और उसी के साथ साथ पीजीपीवी क्या होना चाहिए। तो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे क्वालिफाइड लेग का मतलब क्या होता है। क्वालिफाइड लेग का मतलब है कोई भी लेग, एनी लेग व्हिच हैज क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव एनीवेयर इज कॉल्ड क्वालिफाइड लेग। आपका कोई भी लेग में कहां कहीं पे भी अगर कोई डायरेक्टर है तो उस पर्टिकुलर लेग को एज ए क्वालिफाइड लेग के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा, राइट? उसी के साथ साथ पीजीपीवी एंड पीजीबीवी, ये बेसिकली क्या है दोस्तों? पीजीबीवी का मतलब है पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है आपका खुद का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, आपने खुद से अपने एमसीए नंबर के अगेंस्ट में क्या ऑर्डर डाला और उसी के ऑर्डर के साथ साथ ऑल वॉल्यूम 7% to 15% ले, अपने एमसी नंबर के अगेंस्ट में कितना ऑर्डर डाला वो कंसिडर किया जाएगा। और आपके नीचे 7% से शुरू करके 15% तक जितने सारे बच्चे लोग हैं उनका बिजनेस वॉल्यूम क्या है, टोटल मिला के जो वॉल्यूम हो रहा है उसी को बोला जाता है पीजीबीवी। इसे बोल रही हूँ खुद
का एमसीए नंबर के अगेंस्ट में जो ऑर्डर डाले हो वो कंसिडर किया जाता है, और 7% से शुरू करके 15% तक जितने सारे लोग हैं आपके टीम में उनके बिजनेस वॉल्यूम को लेके जो अमाउंट हो रहा है उसी को बोला जाता है पीजीबीवी, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है क्वालिफाइड लेक, ये चीज याद रखना दोस्तों बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज जेनरेशन, जेनरेशन भी आप लोगों को याद रखना है कौन सा लीडरशिप कौन सा टाइटल में है, टाइटल के हिसाब से उनको कितना लेक करना पड़ेगा और लेक के हिसाब से उनको कितना पीजीबीवी करना पड़ेगा और उनका कितना जेनरेशन तक उनको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये जो टीबीबी है ना, टीम बिल्डर बोनस, यही असली चीज है, यही पर्टिकुलर चीज आपको पैसा देगा। मैं भी एलपीपी में जेने जा रही हूँ, ये जो टीबीबी है टीम बिल्डर बोनस यही असली चीज है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि मैं कौन-कौन हूँ, मेरा क्या टाइटल है, मेरे टाइटल के हिसाब से मुझे तभी कोई मैनेजमेंट का कोई लोग मुझे तभी सीनियर डायरेक्टर बोलेगा जब मेरे नीचे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लिख रहेगा। तो ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और जब मैं एक सीनियर डायरेक्टर हूं मेरा साइट से कितना वॉल्यूम होना है, मेरा पीजीबीवी कितना होना है, वो होना है मिनिमम 1100। देखिए एक एक टाइटल के अगेंस्ट में एक एक पीजीबीवी कितना हो रहा है। और जब ये क्राइटेरिया मैं पूरी तरह से फुलफिल कर रही हूँ, अभी मुझे देखना है कि मुझे जो पैसा कमाऊंगी ना ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से मुझे कितना जेनरेशन तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट बहुत रखना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को इनकम कैलकुलेशन सिखा रही हूँ। देखिये ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें देखिए ये एक सीनियर डायरेक्टर है, जब कोई सीनियर डायरेक्टर है उसके नीचे सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे डायरेक्टर है। तो एक सीनियर डायरेक्टर, अगर मैं इस पॉइंट में जाऊँ, सीनियर डायरेक्टर को कितना जनरेशन मिलता है, सीनियर डायरेक्टर को 2 जनरेशन का बेनिफिट मिलता है। उनको खुद के ऊपर उनको मिलता है 6%, फर्स्ट जनरेशन के ऊपर इनको मिलता है 5%, सेकेंड जनरेशन के ऊपर मिलता है उनको 4%। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं, दिस पर्सन इज अ सीनियर डायरेक्टर, उनका जितना भी पीजीबीवी है उनके ऊपर उनको मिलेगा 6%, इनको 2 जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्ट जनरेशन के ऊपर इनको मिलेगा 5%, सेकेंड जनरेशन को उनको मिलेगा 4%। क्लियर? अभी एग्जाम्पल टू में देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दोस्तों 3 जनरेशन तक मिलेगा। जो एसडी है उनको 2 जनरेशन तक मिला और जो ईडी है 3 जनरेशन। मैं बोल रही हूँ ये मैं नहीं बोल रही, ये चार्ट बोल रहा है ईडी। ये ईडी जब इंसान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं उनको 3 जनरेशन तक बिल्डर बोनस की बेनिफिट मिलता है। अभी आप देखो खुद के ऊपर इनको मिला 6%, फर्स्ट जनरेशन के ऊपर 5%, सेकेंड जनरेशन के ऊपर 4%, और ये जो थर्ड जनरेशन है इनके ऊपर इनको मिला 3%। और ऐसे करके टेबल जाता है, ऐसे करके चार्ट जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज सिखाती हूँ। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो बहुत कष्ट करके अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, पर एक्सटेंशन के बाद भी उनको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उनको उतना बेनिफिट मिलता नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। एक कारण होता है इनका लेवल। कभी कभी क्या होता है ना, एक इंसान रहता है छोटा लेवल में, मीन स्मॉल लेवल में, और वो उनके नीचे जब किसी को ज्वाइनिंग कर रहा है ना, वो कॉन्टिन्यूसली एक के नीचे ज्वाइन करने के बाद बहुत जनरेशन क्रिएट कर लिया, पर जनरेशन क्रिएट करने के बाद भी उनके पास इनकम आता नहीं है, क्योंकि वो ये सोच के करता नहीं है कि उनका टाइटल क्या है। तो दोस्तों आप लोग जब भी जनरेशन को इंक्रीज करोगे उसके साथ साथ अपने टाइटल को भी इंक्रीज करना, और अगर टाइटल इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो तो आप विड्थ में काम करो, आपने थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना है। मुझे देखना है कि मैं अभी कौन सा टाइटल में हूं, मेरा टाइटल क्या है, और इस पट्टी मेरा पोस्ट क्या है, एकदम सिंपल चीज, मेरा पोस्ट क्या है, मेरे पोस्ट के हिसाब से मुझे क्या बेनिफिट दिया जा रहा है कंपनी से। कभी कभी दिक्कत क्या हो रहा है, मेरा जो पोस्ट है, मेरे पोस्ट में मुझे जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट मुझे मिल रहा है, पर मैं क्या की हूं, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बिजनेस कैसे करूं। मैं और भी नीचे जाके बिजनेस किया और मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने अपना बिजनेस को इतना तो एक्सपेंड किया,
तो जब मैंने अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड किया तो जाहिर सी बात है मेरे पास पैसा भी बहुत आएगा, पर अल्टीमेटली पैसा आता नहीं है। इसलिए नहीं आता है कि अगर कोई लीडर सीनियर डायरेक्टर है उनको सेकेंड जनरेशन के मिलेगा, अगर कोई सीनियर डायरेक्टर है और वो सेकेंड जनरेशन की जगह में सेवंथ जनरेशन क्रिएट कर लिया पर उनका टाइटल बड़ा नहीं, उनको सिर्फ सेकेंड जनरेशन उनको बेनिफिट मिलेगा, अल्टीमेटली उनका लॉस हो रहा है। दैट इज द रीजन दोस्तों, जब आप जनरेशन देखोगे ना, जनरेशन के साथ इंपॉर्टेंट टाइटल को भी देखोगे। नेक्स्ट आप देखो इनकम कैलकुलेशन एग्जाम्पल थ्री। एग्जाम्पल थ्री अगर आप लोग देखोगे, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखो, इसमें ये जो एक स्ट्रक्चर है इनमें फर्स्ट ये एक लेग है, दो लेग है, तीन लेग है। जब तीन लेग होता है वो बन जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि एसडी। और जब एसडी होता है, चलिए आप एक बार देखिए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फोर्थ जनरेशन तक बेनिफिट मिलता है। देखो देखिए दोस्तों, अगर आपको फोर्थ जनरेशन तक बेनिफिट चाहिए तो आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्थ जनरेशन बेनिफिट मिलना है और आपका टाइटल है सीनियर डायरेक्टर, आपको सिर्फ दो जनरेशन बेनिफिट मिलेगा, बाकी दो जनरेशन बेनिफिट का पैसा पानी में चला जाएगा। अभी देखिए जब एसडी बन रहा है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको चार जनरेशन बेनिफिट मिल रहा है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखो उनके ऊपर इनको मिला 6%, फर्स्ट जनरेशन के ऊपर 5%, सेकेंड जनरेशन के ऊपर 4%, थर्ड जनरेशन 10% और फोर्थ जनरेशन इनको मिला 2%। आपने देखा तो ये पर्टिकुलर देखिए इन टाइटल के हिसाब से इनको चार जनरेशन मिलना चाहिए और इन्होंने अपना टाइटल का पूरी तरह से जस्टिफिकेशन किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से जस्टिफिकेशन किया। तो दैट इज द रीजन जब भी आप लोग टीम बिल्डर बोनस में कर रहे हो और जब भी आप अपने कोई भी टाइटल में हो, टाइटल के हिसाब से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, टाइटल के हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर को सही तरह तरीका से सजाया कि नहीं सजाया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आती हूँ रोल अप। दोस्तों रोल अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा माने बहुत सारे लोगों के मुंह से आप लोगों को रोल अप के बारे में सुनने में आता है। बेसिकली रोल अप क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। रोल अप एक ऐसा चीज होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली यूज होता है टाइटल के लिए। कभी कभी क्या होता है, एक इंसान को अपने टाइटल को अचीव करने के लिए जहां पे पहुंचना चाहिए जितना पीजीवीवी की जरूरत होता है, कभी कभी होता है शॉर्ट पड़ता है, शॉर्ट वो उतना पीजीवीवी होता नहीं है, तो तभी रोल अप काम पे आता है, तभी आता है रोल अप। अभी रोल अप का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, चलिए आइए एक बार देखते हैं हम रूल फॉर रोल अप। रोल अप कैलकुलेशन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम बॉटम ऑफ नेटवर्क। जब भी रोल अप का कैलकुलेशन करना चाहिए हमेशा नीचे से ऊपर जाना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ये है नंबर वन। सेकंड, ओनली नॉन क्वालिफाइड डायरेक्ट वॉल्यूम गेट्स रोल्ड अप। रोल अप इस्तेमाल कहां से होता है, जो डायरेक्टर जो इंसान मोदी केयर बिजनेस में एक बार डायरेक्टर बन चुके हैं, कोई भी कारण वो इंसान अपना डायरेक्टर का जो टाइटल है वो मेंटेन नहीं कर पाया, उस इंसान को बोला जाता है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। और रोल अप का इस्तेमाल वही नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की वॉल्यूम से उसका इस्तेमाल होता है, उसका यूजेज होता है। तो रोल अप कब होता है, किससे होता है रोल अप, अगर किसी को टाइटल मेंटेन करने में पॉइंट शॉर्ट होता है तभी रोल अप काम पे आते हैं। रोल अप हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का जो वॉल्यूम है वही रोल अप में यूज होता है। और जब भी दोस्तों आप लोग रोल अप का कैलकुलेशन करोगे हमेशा नीचे से ऊपर जाओगे। रोल अप इज टेकन ओनली टू फाइंड आउट द रोल अप वॉल्यूम, नेवर गेट्स एडेड एनीवेयर। चलिए आइए अभी एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। रूल फॉर रोल अप, रोल अप का क्या होता है वो एक बार एक छोटा चीज में आप लोगों को बोल दे रही हूँ दोस्तों। रोल अप बेसिकली क्या होता है ना, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का ये जो वॉल्यूम है, ये नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम ऊपर ऐड होता है एक इंसान को क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाने के लिए यानी कि टाइटल के लिए। और एक चीज याद रखना, जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के वॉल्यूम को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसके नीचे कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो वो
नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम ऊपर जाता है टाइटल को सपोर्ट करने के लिए, यानी को टाइटल को अचीव करने के लिए, और नीचे आते हैं पेमेंट कैलकुलेशन के लिए। मैं फिर से ये चीज आप लोगों को दोहराना चाहती हूं, ध्यान से सुनिए। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम, ये जो एनक्यूडी का वॉल्यूम होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है। ये यूज होता है अगर टाइटल अचीव करने के टाइम में किसी का अगर कोई शॉर्टेज पड़ता है, तभी वो जाके ऊपर ऐड होता है। क्यों ऐड होता है? टाइटल को अचीव करने के लिए। तो जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम ऊपर जाता है टाइटल को अचीव कराने के लिए, अगर उसी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के नीचे कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो वो नीचे आते हैं पेमेंट कैलकुलेशन के लिए। मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगी, आप लोगों को क्लियर होगा। हमेशा रोल अप नीचे से ऊपर जाता है। जैसे कि देखिए, नीचे देखिए एनक्यूडी। अभी देखिए, इस एनक्यूडी के नीचे दोस्तों कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं है। ये एनक्यूडी है। जितने सारे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम है, ये नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम क्या होगा बोल सकते हैं? एनीबॉडी कैन टेल? एफ के साथ ऐड हो जाएगा। हाँ, एफ के साथ ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये एफ के साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? ये एग्जांपल से एनीबॉडी बोलो, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा ना। ये थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। बिजनेस वॉल्यूम भी एफ के साथ ऐड हो जाएगा। इसका बिजनेस वॉल्यूम भी एफ के साथ ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद तो एसडी क्वालिफाइड है। उसके बाद बीच में तो कोई एनक्यूडी नहीं है, ए का एनक्यूडी है। हाँ, ए का बिजनेस वॉल्यूम भी बी के साथ ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम, अगर आप लोगों का ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा और उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहेगा और उसका वॉल्यूम ऐसा नहीं है कि जब भी एनक्यूडी रहेगा एनक्यूडी ऊपर जाके ऐड होगा, इसके ऊपर में कौन है? एक सीनियर डायरेक्टर है। ये ऑलरेडी एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है। इस पर्टिकुलर इंसान को नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम ये इस पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई काम पे नहीं आ रहा है। तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम इनके इमीडिएट जो क्वालिफाइड डायरेक्टर है इनके साथ ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 300 + 1500 कितना होता है? 1600, 1700, 1800 हो जाएगा। तो जब इनकम का कैलकुलेशन होगा तो 1800 के ऊपर होगा, राइट? अभी सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखोगे, ये जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्ट है ई का जो वॉल्यूम, ये सीधा ऐड हो जाएगा एफ के साथ पेमेंट कैलकुलेशन के लिए। ये ऊपर नहीं जाएगा, ये तो रोल अप हो रहा है ना दोस्तों। रोल अप के टाइम में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ अभी ऊपर जाएगा जब ऊपर वाले का हालत खराब है। अगर ऊपर वाले का हालत खराब है, कोई भी कारण ये अपना टाइटल अचीव नहीं कर पा रहे, तभी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर वाले एकदम क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तब ये नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम ऊपर वाले के पास नहीं जाएगा। ये नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की वॉल्यूम इनके नीचे इमीडिएट जो क्वालिफाइड डायरेक्टर है उनके साथ जाके ये सीधा ऐड हो जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, जैसे कि आप देखा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसा सिचुएशन है कि कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है और इसके नीचे कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं है, मैंने आप लोगों को क्या बोला, इनके नीचे भी कुछ होना चाहिए ना, तब जाके ऐड होगा। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए, इनके नीचे कोई भी नहीं है, ये नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम इनके इमीडिएट जो क्वालिफाइड डायरेक्टर है ये इसके साथ जाके ये ऐड हो जाता है। आगे जाके एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्पल वन दोस्तों देखिए, पीजीपीवी 33,750 है और इसके नीचे जो पीजीपीवी है वो है 10,000। अभी आप में बोलो नो रोल अप, सिंस ए इज अ क्वालिफाइड डायरेक्टर। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई रोल अप की जरूरत नहीं है क्योंकि ए क्वालिफाइड डायरेक्टर है। ए जब क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो इसको रोल अप बेनिफिट नहीं चाहिए, इसका टाइटल अच्छा खासा ठीक है। एग्जांपल टू में देखिए,
इनका पीजीबी भी 33,000 है और इनका बी का है 10,000. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 20,000 10,000 will get added to A. ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये रोल अप में काम आएगा, क्योंकि 33,070 होना है पर इसके जगह में 33,000 है. अभी ये रोल अप ऊपर जाएगा, काम पे जाएगा. एग्जाम्पल थ्री देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल थ्री क्या देख रहे हैं, ए के नीचे बी, बी के नीचे सी है. ए का पीजीवीवी है देखिए 25,000, बी का पीजीवीवी है 10,000, सी का पीजीवीवी है 10,000. अभी इस करंट सिचुएशन में सी का पीजीवीवी विल रोल अप बी के पास आएगा. बी के पास आने के बाद भी आप लोग देखो 10,000-20,000 हो रहा है, बी का कुछ फायदा नहीं हो रहा है. तो अभी ये 20,000 क्या होगा, ये 20,000 आके सीधा आ जाएगा ए के पास, विल गो टू ए, और ए क्या बन जाएगा, ए विल बिकम अ क्वालिफाइड डायरेक्टर. क्लियर, ये है रोल अप का. नेक्स्ट इज डायनेमिक कंप्रेशन, ये करके मैं खत्म करूंगी. किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में बोलूंगी. नो क्वेश्चन अभी तक. ये चैट बॉक्स में लोग क्या लिख रहे हैं, ये पीएम है तो देख नहीं पा रही. ऐसा कुछ नहीं लिख रहे, ऐसा कुछ नहीं लिख रहे, कोई क्वेश्चंस नहीं है ना. ओके अभी डायनामिक कॉम्प्रेशन दोस्तों, आपने रोल अप देखा, अभी आप डायनामिक कॉम्प्रेशन देखिए. रोल अप और डायनामिक कॉम्प्रेशन देख देख लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है. डायनामिक कॉम्प्रेशन क्या है, डायनेमिक कंप्रेशन ये जो रूल है ये एप्लीकेबल फॉर टीम बिल्डर बोनस. दिस रूल कैलकुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम यू, यानी कि ऊपर से शुरू होता है. दिस रूल डिपेंड ऑन योर टाइटल जनरेशन. ये जो डायनेमिक कंप्रेशन होता है दोस्तों, ये जब मैं आगे जाके आप लोगों के एग्जांपल के साथ बैठा हूं ये एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग देखना ये टाइटल के ऊपर, ये एक टाइटल में टाइटल के हिसाब से आपका कितना जेनरेशन की बेनिफिट अब मिल रहे हैं, उसी के ऊपर ही डायनेमिक कंप्रेशन सेट होता है. नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम फर्स्ट गोज डाउन अ क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव. इफ देयर इज नो क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव देन ओनली इट गोज अप टू अ क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव. डायनेमिक कंप्रेशन का जो सिस्टम है पूरा अलग है. क्या है इसमें देखिए, थंब रूल देखिए. पहले फाइंड योर टाइटल, पहले अपना टाइटल को देखिए. टाइटल के हिसाब से देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आप कितना जनरेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा. फिर उसके बाद आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम काम पे आपका आएगा. तो ऐसे आप कर रहे हो ये डायनेमिक कंप्रेशन. अभी आप ये एग्जांपल देखो, मेरे ख्याल से ये एग्जांपल हर एक इंसान के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. ये देखिए, ये एग्जाम्पल वन देखिए. एग्जाम्पल वन में ए का पीजीवी भी देखिए 30,000, बी का पीजीवी भी देखिए 10,000, सी का पीजीवीवी देखिए 1,000. एक पर्टिकुलर केस में क्या क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे. देखिए एक हुक के ऊपर मिलेगा 6%, 30,000 का 6% आ रहा है 1800 पॉइंट्स. वेरी गुड. अभी इनका इसका फर्स्ट जनरेशन कौन है, इसका फर्स्ट जनरेशन है सी. दोस्तों ए का फर्स्ट जनरेशन सी है. जनरेशन वही से शुरू होता है जहां से क्वालिफाइड डायरेक्टर बनता है. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए के बाद है बी, बी का पीजीवीवी है 10,000. दैट मींस बी इज नॉट अ क्वालिफाइड डायरेक्टर. बी के बाद आता है दोस्तों सी, सी का पीजीवीवी है 40,000, यानी कि सी इज अ क्वालिफाइड डायरेक्टर. अभी इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जैसे है ए को खुद के ऊपर 6% मिला 1800 पॉइंट. अभी सी है फर्स्ट जनरेशन, ए का फर्स्ट जनरेशन है सी, यानी कि 40 देखोगे एग्जाम्पल टू अगर देखोगे दोस्तों, एग्जाम्पल टू बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल टू में अगर आप देखोगे ए का पीजीवीवी है ना 1,000, उनके ऊपर 6% मिल गया. उनका फर्स्ट जनरेशन बी है देखिए, क्योंकि बी का पीजीवीवी है 40,000 और सी का पीजीवीवी है 20,000. तो 20,000 का मतलब सी इज नॉट अ क्वालिफाइड डायरेक्टर, बी इज अ क्वालिफाइड डायरेक्टर. ए का फर्स्ट जनरेशन है बी. इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में क्या होगा, ए को खुद के ऊपर मिलेगा, खुद के ऊपर ए को मिलेगा 6%,
और ए का जो फर्स्ट जनरेशन है यानी कि बी, बी के ऊपर इनको मिलेगा 5%। पर डायनेमिक कंपटीशन का क्या नियम है दोस्तों, अगर कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम, अगर कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम है, उनको यही बोला जाता है कि उनको पहले नीचे देखना है, नीचे, ऊपर नहीं देखेगा। डायनामिक कंप्रेशन में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर अगर कोई है, वो भूलकर भी ऊपर नहीं देखेगा, उनको देखना है नीचे। वो नीचे झांक के देखेगा कि उनके नीचे कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर है कि नहीं। अगर कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर है, वो सीधा जाके क्वालिफाइड डायरेक्टर का हाथ पकड़ लेगा, राइट। और अगर नीचे जाकर देखेगा कि कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं है, तो उनके सर के ऊपर इमीडिएट, पॉइंट टू बी नोटेड, इमीडिएट जो क्वालिफाइड डायरेक्टर है वो सीधा जाके उनका हाथ पकड़ लेगा। इसी को बोला जाता है डायनेमिक कंप्रेशन। पहला वाला अगर आप लोग एग्जांपल देखोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। पहले वाला में देखिए नॉन क्वालिफाइड डायरेक्ट वॉल्यूम है। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्ट को क्या बोला गया है कि आपको पहले नीचे देखना है, नीचे देखो क्या है, और नीचे देखा, नीचे देखा कि एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है, और सीधा जाके इसका हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया तब क्या हुआ, 40,000 प्लस 10,000 50,000 आपका बिजनेस का एक बिजनेस वॉल्यूम पानी में नहीं गया। 50,000 के ऊपर दोस्तों आपको मिला 5%। और एग्जांपल टू में देखो, एग्जांपल टू में इसका फर्स्ट जनरेशन है बी, और देखिए बी के बाद जो है वो है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्ट। इनको क्या बोला गया है कि बाबू तुमको नीचे देखना है, ये जब नीचे देख रहे हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या करेगा, इनके सर के ऊपर इमीडिएट जो क्वालिफाइड डायरेक्टर है वो सीधा जाके इसका हाथ पकड़ लेगा। अभी ये सी क्या किया, सी जाके बी के साथ जोड़ लिया। 40,000 प्लस 20,000 कितना हुआ, 60,000 हुआ। तो आपका बिजनेस का कोई भी वॉल्यूम वेस्ट नहीं हुआ। यही है डायनामिक कंपटीशन का कमाल। तो आपको क्या मिला, 60,000 के ऊपर आपको मिला 5%। ये जो 5% मिला, ये 60% के ऊपर मिला। हमेशा याद रखना, जब भी रोल अप का कैलकुलेशन करोगे, रोल अप का कैलकुलेशन हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। और जब भी डायनामिक कंप्रेशन करोगे, ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे। इतना तक क्लियर रखना। रोल अप क्यों यूज होता है, रोल अप यूज होता है टाइटल में अगर कुछ शॉर्टेज पड़ रहे तब जाके रोल अप यूज होता है। ये सॉरी, तब जाके नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम ऊपर जाता है, रोल अप में यूज होता है। रोल अप ये ऊपर जाता है आपको टाइटल को बढ़ाने के लिए। और नॉन क्वालिफाइड, उसी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के नीचे अगर कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर है, वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम सीधे उनके नीचे जो क्वालिफाइड डायरेक्टर है उसी के साथ आ जाता है पेमेंट कैलकुलेशन के लिए। ऊपर जाता है टाइटल के लिए, नीचे जाता है पेमेंट के लिए। हमेशा याद रखना, ऊपर जाता है टाइटल के लिए, नीचे आता है पेमेंट के लिए। ये कब हो रहा है, रोल अप के लिए हो रहा है। कैसे करना है, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर। और डायनामिक कंप्रेशन मैंने क्या बताया आप लोगों को, ऊपर से नीचे आना पड़ता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। डायनेमिक कंप्रेशन करने के टाइम ऊपर से नीचे आना। और डायनेमिक कंप्रेशन का ये जो रूल है, ये तभी लागू होगा, उसके लिए आपको जनरेशन चेक करना बहुत जरूरी है। अभी ये वाले एग्जांपल देखिए, और दो एग्जांपल है फिर। इस एग्जांपल में अगर आप लोग देखोगे, यू इज अ सीनियर डायरेक्टर, वेरी गुड। अभी यू का फर्स्ट जनरेशन कौन है, सीनियर डायरेक्टर का मतलब है उनको दो जनरेशन तक बेनिफिट मिलता है। इनका बी फर्स्ट जनरेशन है और डी है सेकंड जनरेशन। अभी इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन बी है। बी जब फर्स्ट जनरेशन है तो बी 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 का क्या वॉल्यूम है, 800। ये 800 भी मिलेगा प्लस 500 मिलेगा, क्योंकि एम टू डी नीचे जो एस डी है इसके साथ जुड़ जाता है। देखिए बी के अगेंस्ट में 800 एंड 500 है। फिर उसके बाद आप लोग देखो, डी सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में कितना है, 1200। और इसके आगे सी है एन टू डी, ये एन टू डी वॉल्यूम जाके एस डी के साथ ऐड होगा, क्वालिफाइड डायरेक्टर के साथ ऐड होगा। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला, कोई अगर एन क्यू डी है और नीचे जाके क्यू डी के साथ ऐड होगा, देखिए 1200 प्लस 300। सेम चीज बी के लिए है, सेम चीज डी के लिए। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। हर कोई देखिए, सीनियर डायरेक्टर होने से आपको दो टाइटल तक मिल रहा है, सीनियर डायरेक्टर होने से आपको दो टाइटल तक मिल रहा है। नेक्स्ट वाला आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ टीम बिल्डर बोनस ऑफ यूजिंग
रूल ऑफ टाइटल रोल अप एंड कॉर्पोरेशन कैसे कर रहे हैं. ये देखिए इनका टाइटल है सीनियर डायरेक्टर. जब सीनियर डायरेक्टर है तो इनको दो जनरेशन तक मिलेगा यानी कि बी एंड सी इतना तक ही मिलेगा. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे 800 के ऊपर इनको मिलेगा 6%. उसके ऊपर 6% मिलता है वेरी गुड. सेकेंड जनरेशन कौन है? सेकेंड जनरेशन है बी. तो बी के ऊपर मिलेगा 1500 के ऊपर मिलेगा 5% प्लस 300 के ऊपर मिलेगा 5%. एंट्री का जो वॉल्यूम है ये वेस्ट नहीं होगा, ये इनके साथ ऐड हो जाएगा. ए का वॉल्यूम बी के साथ ऐड हो जाएगा. तो 1800 के ऊपर इनको मिलेगा 5% राइट. अभी सी, सी इज अ सीनियर डायरेक्टर. सी को क्या मिल रहा है? 1100 के ऊपर इनको मिल रहा है 4%. ऐसे करके ये पर्टिकुलर चीज हो रहा है. ये है मेन फंडा. और ये व्हाट लास्ट ईयर के एग्जांपल में एक एक बार आप लोग देख लीजिए इनकम कैलकुलेशन का. इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में अगर आप देखोगे जो सीनियर डायरेक्टर है उनको 6% मिला खुद के ऊपर. उनके नीचे बी है, बी के बी उनका सेकेंड जनरेशन है, बी के ऊपर इनको मिला 5%. फिर उसके बाद सी, सी इज अ नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर. फिर उसके बाद आया डी, डी इज अ क्वालिफाइड डायरेक्टर. तो एसडी का दो जनरेशन मिलता है, फर्स्ट जनरेशन मिलेगा सेकंड जनरेशन मिलेगा. सेकंड जनरेशन डी है तो डी का है 30,000 और सी का है 10,000. 10,000 या 30,000 कितना होता है? 40,000. 40,000 के ऊपर इनको मिलेगा 4%. फिर उसके बाद अगर आप लोग देखोगे इधर एनक्यूटी का वॉल्यूम है, ई का वॉल्यूम एनक्यूटी है, पर ये वॉल्यूम ऐड होकर डी के पास नहीं जाएगा. इसमें रोल अप नहीं होगा, डायनामिक ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंसल्टेंट है ये सीनियर डायरेक्टर है. सीनियर डायरेक्टर के हिसाब से इनको सिर्फ दो जनरेशन तक ही बेनिफिट मिलेगा. चाहे नीचे एनक्यूटी है पर हो जाने के बाद भी हम लोग इनको इसमें डायनामिक ऑपरेशन का जो सिस्टम है इसको हम लोग अलाउ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंस ही इज अ सीनियर डायरेक्टर इसीलिए इनको सिर्फ दो जनरेशन तक ही मिलेगा. क्लियर सबको इतना तक? एनी क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न थाके प्लीज बोलूं. एक प्रिया देख और कोई क्वेश्चन आछे कि ना? क्वेश्चन नहीं. अच्छा जितने सारे को होस्ट